The question given is, a sum of rupees 10 is lent to be returned in 11 monthly installments of rupees 1 each. Interest being simple, then rate of interest is. So, let the rate of interest be r%. Total amount to be paid. Total amount to be paid. Ye kitna hota hai? Ye hota hai sum lent plus interest. So, ye 11 months mein hoga. So, ye hoga 10 rupees plus 10 into r into 11 months. So, 11 by 12 by 10, 100. So, ye kitna hoga? Ye hoga 10 plus 11 r by 120. ये हमारा अमाउंट टू बी पेड है तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब इफेक्टिव अमाउंट कितना होगा अगर हम इसको स्प्लिट करें तो इफेक्टिव अमाउंट विल बी अगर हम फर्स्ट मंथ देखें तो वो कितना होगा रुपीस 1 प्लस इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट ऑन रुपीस 1 फॉर नेक्स्ट 10 मंथ्स उसने एक मंथ में सारा रुपीस 1 किया है तो 11 मंथ्स में उसका जितना भी इंटरेस्ट आएगा उसको वो पे करना होगा सिमिलरली रुपीस 1 प्लस इंटरेस्ट ऑन रुपीस 1 फॉर 9 मंथ्स रिमेनिंग 9 मंथ्स का भी इंटरेस्ट उसको साथ में पे करना है अप टू रुपीस 1 प्लस इंटरेस्ट ऑन रुपीस 1 फॉर 1 मंथ प्लस रुपीस 1 तो ये कितना होगा ये हो जाएगा 1 plus 1 into r into 10 by 12 upon 100 plus 1 plus 1 into r into 9 by 12 upon 100 up to 1 plus 1 into r into 1 upon 12 upon 100 plus 1 the total ho jayega 11 plus r by 100 ko agar common r by 1200 ko common le le to hame kya milega 1 plus 2 plus 3 up to 10 अब हमें पता है 1 plus 2 plus 3 up to 10 इसकी वैल्यू कितनी होती है 55 तो हो जाएगा 11 plus r into 55 upon 1200 तो अगर इसको हम 5 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा 11 टाइम्स ये हो जाएगा 240 टाइम्स तो ये हो जाएगा 11 plus 11 r by 240 इक्वेशन नंबर 2 अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 एक ही अमाउंट को डिनोट करता है दैट मींस 1 equals to 2 होगा, तो ये हो जाएगा 11 plus 11 r by 240 equals to, यहाँ पे क्या था, 11 plus 11 r by 120, that means, sorry, हमसे एक छोटी सी mistake हुई है, इधर 10 होगा, 11 नहीं, क्योंकि 10 plus 11 r by 120 था हमारे पास, तो ये हो जाएगा 10 plus 11 r by 120, that means 1 equals to 11 r by 120, minus 11 r by 240 अगर हम इसको 1 equals to 11 r by 120 common ले ले तो हमें क्या मिलेगा 1 minus half that means 1 equals to 11 r by 120 into half तो ये हो जाएगा 1 equals to 11 r upon 240 तो r की value कितनी होगी 240 by 11 that is r equals to अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2 times क्योंकि 11 by 240 कितना होता है 2 से 22, 20 to 1, 11 और 9 remainder, तो जाएगा 21, 9 by 11%. तो हमारा आंसर है R equals to 21, 9 by 11%. That is option D. So this is our solution.